आपके घर में भी कोई डायबिटीज या फिर मोटापे का शिकार है और वो भी शक्कर की जगह यूज कर रहे हैं आजकल इस तरह की टैबलेट्स को, जो कि मार्केट में आती है शुगर फ्री के नाम से। यदि आप भी इस तरह की टैबलेट्स का यूज कर रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा और नेहाज किचन मिला में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसके बारे में मुझे अभी रिसेंटली ऐसा लगा कि आई थिंक 70-80% लोगों को अभी तक इसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है। एंड यदि उनके घर में किसी को भी डायबिटीज की प्रॉब्लम है, और डायबिटीज तो आप जानते ही हैं कि कितनी ज्यादा घर घर में फैली हुई है, तो आज भी वो शक्कर की जगह पर यूज करें, यानी शुगर की जगह, रिफाइंड शुगर जो आता है मार्केट में उसकी जगह पर यूज करते हैं इस तरह की शुगर फ्री टैबलेट्स का। एक्चुअल में गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि शुगर फ्री टैबलेट्स को प्रमोट ही कुछ इस तरह से किया गया था कि ये शुगर की जगह पर एक बेस्ट ऑप्शन है जिसको आप यूज कर सकते हैं, ये मोटापे को कम करेगा, इसमें किसी तरह की कैलोरी नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने इसको यूज किया है, इवन मेरे घर पर भी इसको पहले यूज किया जाता था एंड मुझे भी इसके बहुत सारे कॉजेज नहीं पता थे। बट जब मुझे पता चला तब फिर मैंने सोचा क्यों ना जिसके बारे में हम अवेयर हैं इसके बारे में सभी को अवेयर किया जाए। बट मैं क्यों आपको बार बार बोल रही हूँ कि ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इनको बनाते टाइम 80% जो यूज किया जाता है वो होता है सैक्रीन। इन गोलियों में सैक्रीन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आपकी चाय, दूध या जो भी आप मिठाई खाते हैं वो मीठा हो जाता है। तो सैक्रीन में ऐसी क्या बात है कि हमें नहीं लेनी चाहिए? सैक्रीन हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, उसके बहुत ज्यादा नुकसान है। पहला नुकसान जो है, यदि आप उसका लॉन्ग टर्म तक यूज करते हैं तो एक रीजन हो सकता है कैंसर होने का। सेकेंड, यदि आप उसको डेली बेसिस पर यूज कर रहे हैं तो आपकी आई साइट काफी हद तक गिर जाएगी। थर्ड, आपकी भूख बहुत कम होती चली जाएगी डे बाई डे। आप खुद से चेंज देखेंगे कि आप एक साल से उसको यूज कर रहे हैं तो एक साल पहले आप जितना खाना खाते थे, आई थिंक एक साल बाद आपकी डाइट ऑटोमेटिकली कम होने लगेगी। फोर्थ, आपके हार्ट पर काफी प्रेशर आता है सैक्रीन का, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड फ्लो है उसको अच्छे से फ्लो होने में काफी दिक्कत होती है। एंड लास्ट जो है वो है आपका बीपी ऊपर नीचे, यानी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कॉजेस आपको इन टैबलेट्स को लेने की वजह से हो ही, बट ये कॉजेस आपको हो सकते हैं इन टैबलेट्स को लेने की वजह से। ये एक साइंटिफिक रिसर्च के दौरान पाया गया है, क्योंकि इसमें है बहुत सारी मात्रा में सैक्रीन, 80% बहुत ज्यादा होता है। तो फिलहाल हम इसको तो नो बोलेंगे। यदि मुझे इसको 10 में से मार्क्स देने हो तो मैं इसको सिर्फ 2 या 3 मार्क्स ही दूंगी, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं लगा। जब आपके पास ऑप्शन नहीं होता तो एक अच्छा ऑप्शन होना भी बहुत जरूरी है, केवल आपको रीजन बताना ही ठीक नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि इसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हैं जिनको डायबिटीज है। जो मोटापा है उसके लिए तो आपको और भी चीजें मिल जाएंगी, और भी काफी सारे सब्स्टिट्यूट मिल जाएंगे, लेकिन जो डायबिटीज के मरीज हैं उनको इसकी जगह क्या यूज करना चाहिए? तो उसकी जगह आपको यदि इसी तरह की टैबलेट्स ही यूज करनी है तो आती है इस तरह की स्टीविया टैबलेट्स, या फिर स्टीविया आपको एक फाइन पाउडर में मिल जाएगा। और ये शुगर की अपेक्षा 100 गुना ज्यादा मीठा होता है। एंड स्टीविया क्या है? स्टीविया एक तरह की तुलसाजी का पत्ता है, जिसको हिंदी में मीठी तुलसी बोलते हैं। ये साउथ अमेरिका में होता है, ये एक तरह का हर्ब है, यानी इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है यदि आप इसको एज अ हर्ब ही यूज कर रहे हैं। आप किसी भी चीज को उसकी सेम फॉर्म में यूज करते हैं तब उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये नेचुरल होते हैं। बट जब आप इसको रिफाइन कर देंगे तब डेफिनेटली इसके भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स आपको हो सकते हैं। तो आप इसको यदि एज अ लीफ यूज करते हैं, क्योंकि एक हर्ब है, एक औषधि है, ये बहुत ज्यादा मीठी होती है। इसका यदि आप एक पत्ता अपने मुंह में रखकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपने कितना सारा मीठा खा लिया है। एंड इसका जो टेस्ट है वो इतना ज्यादा मीठा होता है कि इसमें कुछ कसैलापन आ जाता है, हल्का सा कसैलापन। तो यदि आप डायबिटीज से बचना चाहते हैं तो हल्का फुल्का कसैलापन आपको चल जाएगा, क्योंकि आपको एक टाइम के बाद, यदि आप इसको यूज कर रहे हैं 1 महीने या 2 महीने, तो डेफिनेटली आप उसके हैबिचुअल हो जाएंगे। मीठी तो हो ही रहे ना आपकी चाय, मीठा हो ही रहा है आपका दूध,
तो आप डेफिनेटली उससे को एक्सेप्ट कर लेंगे और वो कसैलापन आपको नहीं लगेगा, आप इसकी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कम कर देंगे। एंड जो मैंने आपको बोला कि यदि आप इसको नेचुरल फॉर्म में ले रहे हैं यानी पत्ती के रूप में, तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बट इस तरह से पाउडर फॉर्म में जो स्टीविया आता है, ये एक रिफाइंड स्टीविया है, तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो फिलहाल नजर में आई भी है कहीं कहीं पर, जैसे ब्लोटिंग होना यानी पेट का फूलना, या फिर कुछ कुछ लोगों को नोजिया होना। तो वो इसलिए भी होता है कि आपकी बॉडी में शुगर की क्वांटिटी बहुत ही कम हो जाती है, एंड हमारी बॉडी में हर चीज की क्वांटिटी थोड़ी बहुत तो लेवल में रहनी ही चाहिए। तो उसको पूरा करने के लिए आप जो फ्रूट्स होते हैं या कुछ भी जिनमें नेचुरल शुगर होता है, सबसे अच्छा है फ्रूट्स, आप नॉर्मली कुछ थोड़े बहुत फ्रूट्स जरूर कंज्यूम करें, क्योंकि उसमें नेचुरल शुगर होता है। बिल्कुल भी आप शुगर से एकदम भागे नहीं, नेचुरल सोर्सेस को अपने खाने में जरूर शामिल रखें। एंड यदि आपको इसको छोड़ना है तो आप, मैं बोलूंगी कि इसकी जगह, मतलब स्टीविया टैबलेट्स की जगह या फिर स्टीविया पाउडर की जगह, पहला जो ऑप्शन है स्टीविया लीव्स, जिसकी आपको ड्राई लीव्स मार्केट में मिल जाएंगी, मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगी, आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, आप उसको वो पहले ले सकते हैं, या फिर सेकेंडली आपको मिठाई भी खानी है या फिर चाय दूध सभी में ही लेना है, तब आप इस तरह का कुछ स्टीविया ले सकते हैं। बट उसके साथ आप फ्रूट्स को जरूर शामिल करें, क्योंकि जो इसके छोटे मोटे हल्के फुल्के साइड इफेक्ट्स हैं जैसे नोजिया एंड ब्लोटिंग, उनको कम करने में वो आपकी काफी हेल्प करेगा। तो ये था आज की हमारी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन, आई होप आपके लिए अच्छी हो। अच्छी हो तो प्लीज जरूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।